रिजल्ट आने से पहले भोपाल में सीएम यादव ने कहा कि पूरा लोकसभा का चुनाव बहुत रोचक रहा। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता पैतृक सीट छोड़कर भाग गए और कहीं ऐसा ना हो कि वो अरब से ही चुनाव लड़ने ना चले जाएं। सीएम यादव की माने तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने एमपी में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा हो, ये उनका नया इतिहास है। कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि तीन बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले भोपाल में सीएम यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीत का दावा किया। वीडी शर्मा का दावा है कि एमपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलेगी। एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटें जीतेंगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बूथ विजय अभियान के तहत बीजेपी 80% बूथ जीत रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने चुनाव में 10% वोट बढ़ाने का जो संकल्प लिया था वो सफल होगा। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। तो वहीं भोपाल में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इसके अलावा जनहित से जुड़ी बात नहीं की गई। ये पूरे पत्रकार वार्ता को मैंने सुना। इस पूरे पत्रकार वार्ता में सिवा डींगे हांकने के उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। रिजल्ट खुला नहीं है और वो जीत गए। चुनाव परिणाम आया नहीं है, वो जीत गए। हर बार की तरह जैसी बातें करते थे वैसे ही बातें उन्होंने इस चुनाव में भी के बात की है। पहले ही कह दिया कि भाई मध्य प्रदेश के शासन के बारे में, घोटालों घपलों के बारे में, अराजकता व्यवस्था के बारे में कोई सवाल न पूछे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करना चाहिए। आपको बता दें कल देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हमारी यही आशा है कि देश का एक एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपना मत अधिकार, जो प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपना मत अधिकार का पूर्ण प्रयोग करें, अच्छा मतदान हो और उसके बाद आगामी 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में। और तीसरी पारी में जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। अशोकनगर में बदमाश